आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान का सारांश लेकर आई हूँ। ये उपन्यास बहुत ही लंबा है और कई बार हमारे पास में वक्त नहीं होता है कि हम पूरा उपन्यास पढ़ या सुन सकें। इसीलिए मेरे कुछ श्रोताओं के आग्रह पे मैं इसका सारांश लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आप लोग इसे पसंद ज़रूर करेंगे। मेरे श्रोताओं में मीना जी सबसे आगे हैं, जिन्होंने मुझे दो बार इसके सारांश के लिए बोला है। मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी वजह से मैं गोदान का सारांश आप सब लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। तो चलिए, आशा करती हूँ ये आपको पसंद आएगा और पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से मैं और भी उपन्यासों के सारांश आप लोगों के लिए धीरे धीरे लेकर आती रहूँगी, ताकि अगर पूरा उपन्यास सुनने का वक्त आपके पास ना हो तो कम से कम उसका सारांश आप सुनकर उस उपन्यास की महानता का पता लगा सकें और उस उपन्यास में क्या कहानी छिपी है इस बात को जान सकें। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरे इस चैनल पर ये उपन्यास और कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों और जानकारों में इसे शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने यथार्थपरक उपन्यास गोदान की रचना सन 1936 ईस्वी में की थी। इसमें भारतीय किसान की जीवन गाथा अत्यंत हृदयस्पर्शी ढंग से वर्णित है। ये आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। इसे पढ़ने के बाद में आप भारतीय किसान की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, नारी उत्पीड़न, नारी के शोषण, नारी की मानसिकता का पता कर सकेंगे। गोदान के मूल में गाय को पालने की लालसा, उसके लिए अर्थ का जुगाड़ करने की कोशिश, गाय के धार्मिक महत्व आदि से परिचित होने के साथ साथ होरी के दर्दनाक अंत को भी जान सकेंगे। पूंजीपतियों के षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप ग्रामीण लोगों का जीवन कितना दयनीय हो जाता है उस पर विवेचन कर सकेंगे। कर्ज, लगान और खेती, ये तीनों कष्ट झेलते हुए कैसे गाँव के लोग धूप की तरह जल जल कर निशेह हो जाते हैं, उस पर आप सब लोगों का ध्यान केंद्रित करता है ये उपन्यास। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य भंडार को काफ़ी पुष्ट किया है। पंच परमेश्वर उनकी पहली कहानी है। ये 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। मानसरोवर नाम के 8 भागों में इनका प्रकाशन हुआ है। सवासेर गेहूं, दो बैलों की कथा, बलिदान, कफन, मुक्ति मार्ग, पूस की रात उनकी श्रेष्ठ कहानियों में है। उनका पहला उपन्यास सेवा सदन 1916 में प्रकाशित हुआ। उनके अन्य उपन्यास हैं प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान। सन 1903 में प्रेमचंद ने एक लेख में लिखा था कि ऐसा बहुत कम संयोग हुआ है कि एक शांति प्रेमी किसान के रोजाना हालात विस्तार के साथ लिखे हुए मिल सकते हों या उनमें किसी किसी दिलचस्पी और अजब अनोखी बातें पाई जाती हों। इस इच्छा को उन्होंने होरी धनिया को नायक नायिका बनाकर गोदान उपन्यास लिखकर पूरा किया। इसमें तत्कालीन राजनीति, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश का परिचय मिल जाता है तथा गांव में सरल, सदाचारी, भाग्यवादी जनता कैसे गांव के मुखिया, महाजन, पुरोहित और जमींदार, मिल मालिक किसानों का हर प्रकार से शोषण करके उनको जिंदगी का जुआ ढोने को विवश कर देते हैं। रसहीन जीवन में उनके सपने को साकार होने का मौका नहीं मिलता। गोदान में प्रेमचंद ने गांव की दरिद्रता, भूखमरी, धर्मांतता, सरल विश्वास आदि का बारीकी से चित्रण किया है। अवध प्रांत में 5 मील के फासले पर 2 गांव हैं, सेमरी और बेलारी। होरी बेलारी में रहता है और राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में रहते हैं। खन्ना, मालती और डॉक्टर मेहता लखनऊ में रहते हैं। गोदान का आरंभ ग्रामीण परिवेश से होता है। धनिया के मना करने पर भी होरी राय साहब से मिलने बेलारी से सेमरी जाता है। उसे लगता है कि राय साहब से मिलते रहने से कुछ सामाजिक मर्यादा बढ़ जाती है। वो कहता है, ये इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। वो समझता है कि इनके पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है, इसीलिए उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। रास्ते में उसे पड़ोस के गांव का ग्वाला भोला मिलता है। उसकी गायों को देखकर होरी के मन में एक गाय रखने की लालसा उत्पन्न होती है। वो विदुर भोला के मन में फिर से सगाई करा देने का लालच देता है। भोला उसे 80 रुपये की गाय उधार पर ले जाने का आग्रह करता है और अपने पास भूसे की कमी की बात करता है। होरी अभाव में पड़े आदमी से गाय लेने को उचित न मानकर फिर ले लूँगा कहकर गाय लेने से मना कर देता है, पर भूसा देने का वादा करके सेमरी में पहुँचता है। उधर राय साहब अपनी असुविधाओं को बताकर चाहते हैं कि टैक्स की वसूली में होरी उनकी सहायता करे।
होरी उनकी बातों में आ जाता है। इस समय एक आदमी आकर राय साहब को बताता है कि मजदूर बेगार करने से मना कर रहे हैं। ये सुनकर राय साहब आग बबूला हो जाते हैं और उन्हें हंटर से ठीक करने की कहकर वहां से उठकर चले जाते हैं। घर पर पहुंचकर होरी राय साहब की तारीफ भी करता है तो बेटा गोबर उन्हें रंगा सियार कहकर उनसे अपनी नफरत जाहिर करता है। होरी बताता है कि उसने भोला को भूसा देने का वचन दिया है। ये सुनकर गोबर और धनिया उस पर काफ़ी बिगड़ते हैं। होरी जब ये बताता है कि भोला धनिया की प्रशंसा कर रहा था तब धनिया कुछ नरम पड़ जाती है। भोला भूसा लेने के लिए आ जाता है। धनिया 3 खोंचे भूसा भरवाकर पति और बेटे को उसके घर तक भूसा पहुंचाने को कहती है। भोला के घर पर उसकी बेटी झुनिया है जो विधवा है, उससे गोबर की मुलाकात होती है। दोनों परस्पर के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। भोला होरी से दूसरे दिन गाय लेने को कहता है। दूसरे दिन गोबर भोला के घर से गाय लाता है। झुनिया उसे छोड़ने बेलारी के निकट तक आती है, फिर मिलने का वायदा करके वापस लौट जाती है। गाय के आते ही होरी के घर में आनंद की लहर उमड़ती है। गाय का भव्य स्वागत किया जाता है। गाय के लिए आंगन में नांद गाड़ी जाती है। गांव वाले आकर गाय के लक्षण भी और होरी की खुशकिस्मती की भी तारीफ करते हैं। केवल अलगोजिया हो गए उसके दो भाई हीरा और शोभा नहीं आते। इससे होरी को बहुत दुख होता है। वो जब हीरा को बुलाने जाता है तो सुनता है कि हीरा शोभा के सामने होरी की निंदा कर रहा था। होरी धनिया को ये बात बताता है। धनिया ये सुनकर उसे झगड़ती है। सेमरी में राय साहब के घर पर उत्सव है। उसमें धनुष यज्ञ नाटक में होरी जनक के माली का अभिनय करता है। उत्सव के लिए होरी को 5 रुपये नजराना देना है। राय साहब के मेहमानों में गांव और शहर के लोग हैं। शहर के मेहमान हैं बिजली पत्र के संपादक पंडित ओंकारनाथ, वकील तथा दलाल मिस्टर तनखा, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर मेहता, मिल मालिक मिस्टर खन्ना, उनकी धर्मपत्नी कामिनी जिनका नाम गोविंदी भी है, और डॉक्टर मिस मालती और मिर्जा खुर्शीद। वहाँ बातचीत में राय साहब जमींदारी प्रथा के शोषण की निंदा करते हैं। डॉक्टर मेहता और राय साहब की कथनी और करनी के अंतर के प्रति व्यंग को वो थोड़ा सा अपमानित महसूस करते हैं। भोजन के समय मांस मदिरा का स्थान छोड़कर ओंकारनाथ अलग से फलाहार करना चाहते हैं, पर मिस मालती अपनी बातों से ओंकारनाथ को भुलावे में डालकर शराब पिलवा देती है और वादे के मुताबिक 1,000 रुपये इनाम ले लेती है। उसी समय पठान के वेश में डॉक्टर मेहता आकर रुपये मांगते हैं और धमकी देते हैं कि रुपये ना मिले तो वो गोली चला देंगे। अंत में होरी वहां प्रवेश करके पठान को गिराकर उसकी मूछें उखाड़ लेता है। पठान के वेश में आए मेहता की नाटकबाजी वहीं खत्म हो जाती है। उसी समय सब शिकार खेलने जाने का कार्यक्रम भी बनाते हैं। 3 टोलियां बनती हैं। पहली टोली में मेहता और मालती जाते हैं। मालती मेहता के प्रति आकर्षित है, पर मेहता को इस ओर कोई आकर्षण नहीं है। मेहता को शिकार की चिड़िया पानी से लाकर एक जंगली लड़की देती है और दोनों को अपने घर तक ले जाकर मधुर व्यवहार से खुश कर देती है। इससे मालती ईर्ष्या करती है तो वो मेहता की नज़र में गिर जाती है। दूसरी टोली के राय साहब और खन्ना के बीच मिल के शेयर के बारे में बातचीत होती है। राय साहब शेयर खरीदने की बात को टाल देते हैं। उधर तीसरी टोली में तनखा और मिर्जा हैं। मिर्जा एक हिरण का शिकार करते हैं। हिरण को एक ग्रामीण युवक को दे देते हैं। सब मिलकर उस युवक के गांव में जाते हैं। खा पीकर खुशी से सारा दिन वहां बिताकर शाम को लौट आते हैं। होरी के घर पर गाय आ जाने से सब खुश थे। इतने में राय साहब का कारिंदा कहता है कि नोखेराम बाकी लगान न चुकाने वाले खेत में हल नहीं जोत सकेंगे। होरी पैसे का इंतजाम करने के लिए साहूकार झिंगुरी सिंह के पास पहुंचता है। झिंगुरी सिंह की आंख गाय पर थी। उसने गाय ले लेने के चक्कर में कर्ज न लेकर लाचार होकर गाय बेचकर लगान चुकाने के लिए वो राजी हो जाता है और धनिया को भी राजी कर लेता है। रात को घर के भीतर उमस होने के कारण वो गाय को बाहर लाकर बांधता है और बीमार शोभा को देखकर लौटते समय गाय के पास हीरा को देखकर ठिठक जाता है। उसी रात को विष दिए जाने से गाय की मृत्यु हो जाती है तो होरी धनिया को हीरा पर शक होने की बात बता देता है। उधर धनिया हीरा को गालियां देती है और सारे गांव में कोहराम मचा देती है। होरी भाई को बचाने के लिए सच को छिपाकर गोबर की झूठी कसम खा लेता है। जांच पड़ताल करने दरोगा गांव में आता है। गांव के मुखिया लोग इस विपत्ति का फायदा उठाने के लिए हीरा पर जुर्माना लगाते हैं। कुर्की से बचने तथा परिवार की इज्जत बचाने होरी झिंगुरी सिंह से कर्ज लेकर रिश्वत के पैसे लाता है, पर धनिया के कारण वो दारोगा को मिल नहीं पाता। दारोगा मुखिया लोगों के घर की तलाशी लेने की धमकी देकर उनसे भी रिश्वत के पैसे वसूल करके चला जाता है। गो हत्या करके पाप के डर से हीरा घर से भाग जाता है। होरी हीरा की पत्नी पुनिया का खेत संभालता है।
बीच में एक महीने तक बीमार भी पड़ जाता है। एक रात होरी कड़कती सर्दी में खेत की रखवाली कर रहा था कि धनिया वहां पहुंच जाती है और बताती है कि 5 महीने का गर्भ लेकर झुनिया घर में आ गई है। होरी पहले उसे निकाल देने की बात तो करता है, बाद में धनिया के समझाने पर उसे अपने घर में रखने का आश्वासन देता है। अब फिर से पंचायत को होरी का गला दबाने का मौका मिल जाता है। झुनिया के एक लड़का होता है, बिरादरी में ऐसे पाप के लिए गांव की पंचायत होरी पर 100 रुपये नकद और 30 मण अनाज का डांड लगाती है। धनिया पंचायत पर बहुत फुफकारती है, पर होरी झिंगुरी सिंह के पास मकान रहन पर रखकर 80 रुपये लाता है और डांड चुकाता है। गोबर झुनिया को चुपके से अपने घर में छोड़कर लोक लज्जा के भय से लखनऊ शहर भाग गया था। वो मिर्जा खुर्शीद के यहाँ महीने के 15 रुपये वेतन पर नौकरी करता है, उनकी दी हुई कोठरी में ही रहता है। डांड में सारा अनाज देने के बाद होरी के पास कुछ नहीं बचता। इसी समय पुनिया उसकी सहायता करती है। वर्षा के अभाव से उसकी ईख सूख जाती है। भोला गाय के रुपए लेना चाहता है, होरी रुपए दे नहीं पाता। भोला होरी के बैल खोल कर ले जाता है। गांव वाले इसका विरोध करते हैं, पर धर्म के भय से मर्यादावादी और ईमानदार होरी विवश होकर इसकी अनुमति दे देता है। मालती राजनीति और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने वाली महिला है। उसके प्रयत्न से मेहता विमेंस लीग में भाषण देने के दौरान महिलाओं को समान अधिकार की मांग छोड़कर त्याग, दया, क्षमा अपनाने का सुझाव देते हैं, जो गृहस्थ जीवन के लिए निहायत ही जरूरी है। मालती मेहता से सहमत होती है। वो मेहता को अपने घर पर खाने पर बुलाती है। उसी समय मेहता आरोप लगाते हैं कि उसी के कारण मिस्टर खन्ना मिसेस खन्ना से अच्छा बर्ताव नहीं करते। ये सुनकर मालती काफ़ी बिगड़ जाती है और अपने घर चली जाती है। राय साहब को पता चल जाता है कि होरी से वसूल किए गए डांड के सारे पैसे गांव के मुखिया लोग खा गए हैं। वो नोखेराम से रुपए देने को कहते हैं तो चारों महाजन बिजली के संपादक ओंकारनाथ को सूचना दे देते हैं कि राय साहब आसामियों से जुर्माना वसूल करते हैं। ओंकारनाथ राय साहब को बताते हैं कि वो अपनी पत्रिका में ऐसी सनसनीखेज खबर छापने जा रहे हैं। राय साहब 100 ग्राहकों का चंदा रिश्वत के रूप में भरकर किसी तरह इसे छापने से रोक लेते हैं। जब गांव में बुआई शुरू हो जाती है तब होरी के पास बैल नहीं है। होरी की लाचारी का फायदा उठाकर दाता दीन होरी से साझे में बुआई करने का प्रस्ताव देकर होरी को मजदूर के स्तर तक ले जाता है। उधर दाता दीन का बेटा माता दीन झुनिया को प्रेम पाश में फंसाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन बीच में सोना पहुंच जाने से मामला कुछ गड़बड़ हो जाता है। होरी ईख बेचने जाता है तो मिल मालिक से मिलकर महाजन सारा रुपया कर्ज के वसूल कर लेते हैं। मिस्टर खन्ना और उनकी पत्नी गोविंदी के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। गोविंदी सादा जीवन पसंद करती है तो मिस्टर खन्ना विलासमय जीवन। एक बार पति पत्नी में बेटे के इलाज के लिए भिन्न भिन्न डॉक्टरों को बुलाने के मतांतर पर झगड़ा हो जाता है। क्रोध से गोविंदी पार्क में चली जाती है। वहीं उसकी मुलाकात मेहता से होती है। मेहता उसकी प्रशंसा करके उसे समझा बुझाकर वापस घर लौटा देते हैं। होरी दाता दीन की मजूरी करने लगता है। इधर होरी दाता दीन की मजूरी करते करते ऊख काटते समय कड़ी मेहनत करने के कारण बेहोश हो जाता है। उधर गोबर अब नौकरी छोड़कर खोंचा लगाने के काम में लग जाता है। उसके पास 2 पैसे हो जाते हैं। वो एक दिन गांव में पहुंचता है। वो सभी के लिए सामान लाता है। गांव में गोबर महाजनों की बड़ी बेइज्जती करता है। होली के अवसर पर गाँव के मुखिया लोगों की नकल करके अभिनय किया जाता है। फलस्वरूप गोबर सभी महाजनों के क्रोध का शिकार बन जाता है। जंगी को शहर में नौकरी कराने का लोभ दिखाकर उसे प्रभावित भी कर देता है। वो भोला को मना कर उससे अपने बैल वापस ले आता है। दाता दीन को 30 रुपये उधार के लिए 70 रुपये देना चाहता है। नोखे राम को लगान वसूल करके रसीद न देने पर उसे अदालत की धमकी देता है। झुनिया को फुसलाकर शहर जाते समय माँ से झगड़ा हो जाता है। माँ के पाँव में सिर न झुकाकर बिल्कुल उद्दंड और स्वार्थी बनकर बाल बच्चों को लेकर वो शहर चला जाता है। उधर राय साहब की कई समस्याएं थीं। उनको कन्या का विवाह करना था, अदालत में एक मुकदमा करना था और सिर पर चुनाव भी थे। कुंवर दिग्विजय सिंह के साथ शादी तय हुई थी उनकी पुत्री की। राजा साहब के साथ चुनाव लड़ना था। पैसों की कमी थी इसलिए वो तनखा के पास उधार मांगने के लिए जाते हैं। वो मना करते हैं तो वो खन्ना के पास जाते हैं। खन्ना पहले आनाकानी करके बाद में कमीशन लेकर पैसों का इंतजाम कर सकने की बात बताते हैं। वहाँ बातचीत के दौरान मेहता महिलाओं की व्यायामशाला के लिए चंदा मांगने पहुँच जाते हैं। खन्ना कुछ देने से साफ मना करते हैं। गोविंदी को भी व्यायामशाला की नींव रखने के लिए मना कर देते हैं। राय साहब 5,000 रुपये लिखवा देते हैं। फिर मालती पहुँचती है तो खन्ना से 1,000 का चेक लिखवा लेती है।
माता दीन की रखेल सिलिया अनाज के ढेर से कोई सेर भर अनाज दुलारी सहुआइन को दे देती है तो माता दीन उसे धिक्कारता है, निकल जाने को कहता है। सिलिया काफ़ी दुखी होती है। सिलिया के बापू हरखू के कहने पर उसके साथी माता दीन के मुंह पर हड्डी डालकर उसे जाति भ्रष्ट कर देते हैं। धनिया सिलिया को अपने घर पर रख लेती है। सिलिया मजदूरी करके गुजर बसर करती है। सोना 17 साल की हो गई थी तो उसके विवाह के लिए भी पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी। सोना को मालूम हुआ कि पिता विवाह के लिए दुलारी से 200 रुपये लाएंगे तो सोना सिलिया को भावी पति मथुरा के पास भेजती है। ससुराल वाले बिना दहेज के बहू लेने को तैयार हो गए, लेकिन धनिया अपनी मर्यादा बचाने के लिए दहेज देना चाहती है। भोला एक जवान विधवा नौहरी से विवाह करता है। नौहरी के साथ बहुओं से नहीं पटती। पुत्र कामना भोला को घर से भगा देता है। नोखेराम नौहरी की लालसा से भोला को नौकर रख लेता है। नौहरी गांव की रानी की जाति का है। लाला पटेश्वरी साहूकार मंगरू शाह को भड़काकर होरी की सारी ईख नीलाम कर देता है। इससे उगाही की उम्मीद न होने से दुलारी होरी के शादी के लिए 200 रुपये नहीं देती। इतने में सहानुभूति दिखाकर नोहरी होरी को 200 रुपये देकर अपनी दयाशीलता का परिचय देती है। शहर में परिवार लाकर गोबर देखता है कि जहां वो खोंचा लगाता था वहीं दूसरा बैठने लगा है। उसको कारोबार में घाटा हुआ तो वो मिल में नौकरी कर लेता है। जुनिया को गोबर की कामुकता पसंद नहीं आती। गोबर का बेटा मर जाता है। जुनिया अब दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती है। गोबर नशा करने लगा है। जुनिया को पीटता है, गालियां देता है। चुहिया की सहायता से जुनिया एक बेटे को जन्म देती है। मिल में झगड़ा हो जाने से गोबर घायल हो जाता है और उधर घायल गोबर की सेवा करने से पति पत्नी में फिर से सारे रिश्ते सामान्य हो जाते हैं। खन्ना गोविंदी का मनमुटाव भी मिट जाता है। मेहता से प्रेरित होकर मालती सेवा व्रत में लगी रहती है। एक दिन मेहता और मालती होरी के गांव में पहुंचकर लोगों से मिलते हैं, उनकी सहायता करते हैं। राय साहब की लड़की की शादी हो जाती है, मुकदमे और चुनाव में भी उनकी जीत होती है, वो लोग होम मेंबर भी बन जाते हैं। राजा साहब राय साहब के पुत्र रुद्र प्रताप से अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं, पर रुद्र प्रताप मालती की बहन सरोज से विवाह करने के लिए तत्पर रहता है और उससे शादी करके वो इंग्लैंड चला जाता है। फिर राय साहब की बेटी और दामाद में विवाह विच्छेद भी हो जाता है। मालती देखती है कि दूसरों की सेवा करने के कारण ऊंची वेतन के बावजूद उन पर कर्ज है, इसीलिए वो मिस्टर मेहता को बचाने के लिए उनसे कई बार बातें करती है। कुर्की भी आई है। तब मालती मेहता को अपने घर पर ले आती है, उनकी सहायता करती है। मालती गोबर को भी अपने घर पर माली रख लेती है। उसके बेटे की चिकित्सा और सेवा भी वो खुद करती है। मालती मेहता से विवाह करना अस्वीकार करके उनको मित्र बनाकर रहने में ज़्यादा तत्पर है। उधर सिलिया भी एक बालक को जन्म देती है जिसका पिता माता दीन है। माता दीन सिलिया के बालक को प्यार करता है। वो निमोनिया में मर जाता है। माता दीन सिलिया के प्रति आकर्षित होता है, सारा जाति बंधन तोड़कर उसके साथ रहता है। होरी की आर्थिक दशा दिनों दिन गिरती जाती है। 3 साल तक लगान न चुकाने से नोखेराम बेदखली का दावा करता है। माता दीन होरी को सुझाव देता है कि अधेड़ राम सेवक मेहता से रूपा की शादी करके बदले में कुछ रुपए ले लें और खेती करें। होरी ये सुनकर बड़ा दुखी होता है, पर अंत में होरी और धनिया दोनों राजी हो जाते हैं। गोबर की शादी में आने की खबर भी दी जाती है। गोबर झुनिया को लेकर अपने गांव पहुंचता है। वहां रूपा की शादी होती है। मालती भी शादी में शरीक होती है। गोबर गांव में झुनिया को छोड़कर वापस लखनऊ चला जाता है। रूपा ससुराल में समृद्धि देखकर पिता की गाय की लालसा की बात सोचकर दुखी होती है। मायके जाते समय वो एक गाय ले जाने की बात सोचती है। होरी पोते मंगल के लिए गाय लेना चाहता था, इसलिए वो कंकड़ खोदने के लिए मजदूरी भी करता है। रात को बैठकर धनिया के साथ सुतली काटता है। एक दिन हीरा आकर पहुंचता है और होरी से माफ़ी मांगता है। होरी खुश हो जाता है। होरी कंकड़ खोदते समय दोपहर की छुट्टी के समय लेट जाता है। उसको उल्टी हो जाती है क्योंकि उसे लू लग गई थी। धनिया भाग कर आती है। सब इकट्ठा हो जाते हैं। शोभा और हीरा अपने भाई होरी को घर ले आते हैं। होरी की जबान बंद हो गई। धनिया घरेलू उपचार करती है लेकिन सब बेकार जाता है। हीरा गोदान करने को कहता है। दूसरे लोग भी यही कहते हैं। इसी के चलते धनिया सुतली बेचकर रखे 20 आने पैसे पति के ठंडे हाथ में रखकर ब्राह्मण दाता दीन से बोलती हैं, महाराज घर में ना तो गाय है ना बछिया ना पैसा, यही इनका गोदान है। और इसी के साथ इस उपन्यास की समाप्ति होती है, जहाँ पर इस उपन्यास के मुख्य किरदार
होरी की मृत्यु हो जाती है और मृत्युपरांत उसकी पत्नी उसको गोदान करने के लिए भी अपने आप को असमर्थ महसूस करती है। इसमें उन गरीब किसानों के दारिद्र्य को दिखाया गया है कि उनके पास में मृत्युपरांत भी जो एक गोदान करने की रस्म है उसे पूरा करने तक के पैसे नहीं होते हैं। ये उपन्यास उन किसानों के दारिद्र्य का बखूबी वर्णन करता है। उस वक्त में भारतीय किसानों की जो स्थिति थी उसके बारे में ये उपन्यास बहुत ही सटीक कटाक्ष करता है। वो किस तरीके से पुरोहित और जितने भी जमींदार लोग थे उन सबसे कैसे प्रताड़ित थे, ये उस बारे में बहुत अच्छे से व्याख्या करके बताता है कि उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ज़मीन होते हुए भी खेती करने के बावजूद उनके पास अपने परिवार को पालने के लिए पैसे नहीं बचते थे। इसके साथ ही उपन्यास में गाय के महत्व को भी दर्शाया गया है। इसके कथा के केंद्र में जो नायक होरी है उसके मन में एक गाय रखने की लालसा थी, जिसे उपन्यास की शुरुआत में ही बताया गया था। लेकिन अंततः निर्धनता, अंधविश्वास, धार्मिक भय और शोषण, ये सब मिलकर होरी को एक गाय रखने की कामना से दूर ही रख देते हैं। उसकी वो इच्छा अपूर्ण हो जाती है। होरी जीवन भर जुझारू योद्धा की तरह जीवन संग्राम में लड़कर अंत में काल के गाल में समा गया है। इसी कहानी में गांव का सामाजिक जीवन और शोषण भी बखूबी चित्रित किया गया है। इसके साथ ही इस कहानी में महिलाओं के शोषण की भी बात होती है और नारी उत्पीड़न की भी बात होती है। इसके अलावा जो ऋण की समस्या है, जो किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी, उसका बखूबी वर्णन इसमें किया गया है। किस प्रकार लगान देने के चक्कर में किसानों के पास में एक पैसा नहीं बचता था तो वो अपने परिवार को कैसे पाल पाते, और अपना यही लगान चुकता करते करते वो इतने दिवालिए हो गए थे कि उनको ऋण लेने के लिए किसी न किसी साहूकार के पास में जाना ही पड़ता था। उसके ऋण की पूर्ति और ऋण से ज़्यादा उसके ब्याज की पूर्ति वो कभी कर ही नहीं पाते थे। इसमें एक राष्ट्रीय आंदोलन का भी जिक्र हुआ है और इस आंदोलन के प्रति गोदान में विशेष रुचि ज़्यादा नहीं दिखाई है मुंशी प्रेमचंद ने। केवल एक सत्याग्रह संग्राम की चर्चा करके और भारत में सुराज आने को एक समानता मूलक समाज व्यवस्था लागू होने की ओर बस संकेत मात्र दिया है। इसमें उन्होंने दिखाया है कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति रुचि केवल शहरी पात्रों की है। ग्रामीण पात्र तो इससे प्रभावित ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी रोजमर्रा की रोटी का जुगाड़ करने में व्यस्त हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को इस उपन्यास का ये सारांश पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। साथ ही मैं आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर कहानियाँ सुन रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों और जानकारों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए, जल्दी ही आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक अन्य कहानी या उपन्यास के साथ में। तब तक आप अपने और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।